तिवारी जी और यहाँ से बड़ी संख्या में हमारे सभी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी और पत्रकार साथियों, मैं इस मौके पर आप सबका धन्यवाद करना हाथ कर सकना चाहता हूँ। ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आज इटावा में हो रहा है, इस कार्यक्रम के लिए मैं एक एक समाजवादी पार्टी और गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इटावा में जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये जोश और उत्साह ये बदलाव का फैसला है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से पहले चरण में दूसरे चरण में सफाया हुआ है, इटावा आते आते भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होने जा रहा है। आपने सुना होगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जल्दी निकाल देंगे, कार्यकर्ता सुन्न हो गए हैं और इस बार तीसरे चरण के वोट डलने के बाद भारतीय जनता पार्टी सुन्न हो जाएगी। सुन्न बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया कि नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते कि नहीं? ये झांसा देते हैं कि नहीं? बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा कराते हैं कि नहीं कराते? और इनके नेताओं के अगर भाषण सुने होंगे तो छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, पार्टी झूठी पार्टी है कि नहीं है? इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, और जब से ये सरकार में आए हैं इन्होंने सरकारी हवाई जहाज बेच दिए, और हवाई जहाज जो खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट बेच दिए, रेलगाड़ियां बेच दी, और रेलवे की कीमत जमीन बेच दी, पानी के जहाज बेच दिए, और पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं वो बंदरगाह बेच दिया। बताओ, बेच दिया कि नहीं बेच दिया? वो कहावत सुनी है, न रहेगा बांस मिलेगी? बताओ, जब सब बिक जाएगा तो नौकरी मिलेगी क्या? ये जो गर्मी निकालने वाले हैं हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी निकालेंगे, पुलिस में नौकरी निकालेंगे। ये जो 11 लाख पद खाली है, उन 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार ने। इधर बाबा जी ने बहुत लैपटॉप बांटे, इधर बाबा जी ने टैबलेट बांटे, स्मार्टफोन बांटे, इटावा वालों को कुछ नहीं मिला। और आपको देते भी क्यों? बाबा जी खुद लैपटॉप नहीं चला पाते, और अभी जो उन्होंने इटावा की तस्वीर बनाई थी मोबाइल से, वो खुद पूरा
पूरम देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। अभी तक तो हमें लगता था कि लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, ये इटावा की झूठी तस्वीर लगी है, तब से पता लग गया ये स्मार्टफोन ही नहीं चला पाते। खेतों की रखवाली हमारे किसान कर रहे हैं, न उन्हें खाद मिली, न उसकी फसल की कीमत मिली, हमारे व्यापारियों का नुकसान हुआ, कोरोना में जान गई। और बाबा मुख्यमंत्री, ये बाबा मुख्यमंत्री है, वो अपना प्रिय जानवर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। बताओ सांड को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे? सांड को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? मुझे खुशी है इस बात की कि आज हमारे साथ कर्मचारियों के सबसे बड़े नेता हरकिशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं। मुझे याद है कि हम लोग लगातार साथ मिलकर के काम करते रहे और लगातार हम लोगों ने बैठक करके हमारे जो कर्मचारियों की पुरानी समस्या थी, उनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। आपको याद होगा कि हरकिशोर तिवारी जी और हम लोगों ने मिलकर के फैसला ले लिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का काम हम लोग करेंगे। और आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी पूरे देश में। जब से 300 यूनिट फ्री कहा है, बीजेपी की बत्ती गुल हो गई है, उनका ट्रांसफॉर्मर फूक गया है। इसलिए इटावा के लोगों से हमारा विशेष निवेदन है, ये इटावा हम सबका घर है, हम कहीं चले जाएं, लेकिन इटावा का परिचय हमारे नाम से नहीं हट सकता। सम्मान बढ़ाया है, समय समय पर इतना आशीर्वाद दिया है और नेताजी भी साथ हैं आज। और वैसे तो चाचा के आने से मामला ठीक हो गया है। नेताजी ने आकर के हमारे और आपके कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। ये सम्मान हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। मैं अपने नौजवान को कहना चाहता हूँ, प्राथमिक शिक्षा भर्ती शिक्षा में कमी मदद होगी और तमाम सरकारी नौकरियां उनको भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। इटावा की पहचान नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाई है और ये गर्व है कि हम लोग इटावा हैं। जहां पर कभी डगर करते थे, हाँ बताओ शेर पैदा हो रहे कि नहीं हो रहे? और पूरे देश में, एशिया में कहीं भी शेरों का ब्रीडिंग सेंटर नहीं होगा जहां शेर पैदा हो रहे हो। समाजवादियों ने इटावा में शेर पैदा करने की जगह बना दी है। क्रिकेट, हॉकी खेलने का स्थान और आने वाले समय में इटावा के लोगों को बता सकते हैं कैसे जा रहे हैं। इटावा का शहर, इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, आने वाले समय में इटावा शहर के लोगों को सुविधा मिले, सुविधा के साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं वो करने का काम करेंगे। और मैं अपने हरकिशोर तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ
कि ये भी चुनाव लड़ना चाहते थे, ये भी चुनाव लड़ते, लेकिन प्रस्तावियों हम नहीं लड़ा पा रहे हैं। लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं हरकिशोर तिवारी जी को और उनके सहयोगी साथियों सबको, इन्होंने लगातार संघर्ष कर करके सदन में जाना चाहते थे, नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग सम्मान दे करके इनको अच्छे स्थान पर और ले जाने का भी काम करेंगे। इन्हीं सबको के साथ आप सबका धन्यवाद देता हूँ। शास्त्री चौराहे का इतना ऐतिहासिक स्वागत और हम शास्त्री जी को याद करते हैं। करके जिताने का काम करना, पुलिस की जो 2013 की भर्ती है, इनकी जितनी भी दिक्कतें हैं इनको निकाल करके, जिससे इनको भी नौकरी मिल सके, उसका रास्ता निकालेंगे। Thank you.
नबी की ओर ये परवेश जाइए।
के गौरव
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बहुत सम्मानित अखिलेश यादव जी, हमारे दल में प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चाचा जी, सपा समीक्षक बहुत बहुत सम्मानित हम सबके नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी, इटावा जिले के प्रधान नागरिक आज के अंशुल यादव जी, इटावा क्षेत्र से प्रशासक वाइस कैबिनेट आज ये इटावा का जनसभा में यह फल कर दिया है कि इटावा के तीनों सीटें भारी बहुमत की पार्टी की बदल दो, समाजवादी पार्टी के जिताने का काम करेंगे। आपसे अनुरोध है 20 तारीख को आने वाली 20 तारीख को राज्य का बदल करके सभी राजनीतिक पार्टियों के बारे में समझा देना और इटावा के काम को बढ़ा देना। मैं आपसे हाथ जोड़ करके 500 का के आपसे लेना चाह रहा हूँ। सब लोगों जो पूरे इटावा से आज हम लोगों को आशीर्वाद देने आए हैं, सब लोगों की तरफ को नमन, जय हिंद, जय समाजवाद, जय लोहिया, धन्यवाद। अब दो दिन रह सकते हैं, अब
दो दिन घर पर नहीं बैठेंगे, बूथ बूथ पर जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे, और उतावा भाषणा जहां संग्राम में भारतीय जनता पार्टी के जमानत जब्त करा देना धन्यवाद देते हैं। पूरे उतावा भाषणा जहां नगर की जनता को हम आज बधाई देते हैं। आज सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त मानने का निर्णय ले लिया है। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।